ईश्वर ही है और है कौन। तो इस दुख से मुक्त होना है, मृत्यु से मुक्त होना है और मन की वृत्तियों से मुक्त होना है। ये तीन मुक्तियां अति आवश्यक है। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाए और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी खोजी आंखें बंद रखें और दुख वृत्ति मुक्ति प्रार्थना शुरू करें। दुख है इंसान के पास, दुख का दुख है और ये दुख का सिलसिला दुख पर दुख करने की वजह से बढ़ जाता है। तो यह रोकने के लिए समझ प्राप्त करें और उस समझ से प्रार्थना करें। हे ईश्वर, मुझे समझ दो, बुद्धि दो। समझ और बुद्धि से विवेक प्राप्त हो, विवेक बुद्धि निर्माण हो। दुख हमें जगाने आता है तो हमारी प्रार्थना उसमें मदद करे, जाग कर हमारी प्रार्थना जागृति की हो। दुख से मुक्त होने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी है, साथ में जागृति के लिए भी प्रार्थना करनी है। कुछ वृत्तियां ऐसी हैं जो दुख को मल्टीप्लाई करती हैं, कई गुणा बढ़ाती हैं। हे ईश्वर, उन सब वृत्तियों से हमें मुक्त करो, मुक्त करो। विश्व के सारे जीव दुख से मुक्त हो जाएं, शरीर के दुख, मानसिक दुख, स्वयं से बिछड़ने का दुख, ईश्वर से दूर रहने का दुख, हर दुख समाप्त हो जाए। हर मनुष्य स्वयं से जुड़े, हैप्पी हैट में रहे और रचनात्मक कार्य करे। हर मनुष्य की ये संभावना खुल रही है प्रार्थना की शक्ति से। सभी में जागृति आ रही है, दुख मृत्यु और वृत्तियों से मुक्ति पाने की अभिलाषा बढ़ रही है। दुख धोखा है, तेज आनंद सत्य है। दुख सुख के पार तेज आनंद का
अनुभव करें। संपूर्ण स्वास्थ्य का अनुभव करें, पूर्णता का अनुभव करें। कोई असंतुष्टि न रहे, कोई विषय अधूरा न रहे। सभी जीव पृथ्वी से इस पूर्णता को प्राप्त करके मृत्युपरांत जीवन में प्रवेश करें। हे ईश्वर, आपकी पुकार को लोग समझें। दुख आपकी पुकार है, आपके साथ तालमेल बढ़ाने का इनविटेशन है। हर जीव यह सीख जाए, समझ जाए और उसी तरह प्रतिसाद दे, ऐसा बल सबको मिले, ऐसी सद्बुद्धि सभी प्राप्त करें। जो दिव्य आनंद कुछ लोग प्राप्त कर रहे हैं, वह सभी प्राप्त करें, ताकि विश्व की चेतना उच्चतम अवस्थाओं में प्रवेश करें। उसके बाद महानिर्वाण निर्माण सहज होगा। सभी यकीन कर पाएंगे अपनी चेतना से निर्माण में योगदान दे पाएंगे। दुख तैयार कर रहा है इंसान को अपनी दिव्यता में प्रवेश करने के लिए। हे ईश्वर, सद्बुद्धि दो, ताकि परिस्थिति मदद करे। जागने में अपना बल याद करने में, सभी इस बल को प्राप्त कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। हे परमात्मा, दुख और वृत्तियां दिव्य प्रकाश में मिट रही हैं, आपकी इच्छा पूर्ण हो रही है। शुभ्र प्रकाश को निरंतर जारी रखो। हमारे ध्यान क्षेत्र से निकलने के बाद भी यह प्रकाश बरसता रहे। अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल सभी के कल्याण के लिए अर्पित करें। मुद्रा में यह अर्पण, ये तपर्पण सब तक पहुंचे। सभी आंखें खुलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। तो इस दुख से मुक्त होना है, मृत्यु से मुक्त होना है और मन की वृत्तियों से मुक्त होना है। ये तीन मुक्तियां अति आवश्यक है। मृत्यु जो है नहीं, मगर लोग इस मृत्यु की वजह से कितने दुखी है, कितने लोग गुजर गए, परिवार में कोई सदस्य गुजर गया, किसी का कोई रिश्तेदार गुजर गया,
तो वो दुख कितना चलता है। कुछ लोग तो जीवन भर उस दुख में रहते हैं मृत्यु का सत्य न जानने की वजह से। तो इस मृत्यु से कैसे मुक्ति मिले सत्य जानकर, ये आज का विषय नहीं वरना उस पर बातचीत होती। मृत्यु से दुख से, दुख धोखा कैसे है, दुख ऑप्शनल कैसे है। ऑप्शनल यानी आपके सामने दो चीजें रखी गई, ये आप लो या न लो, ये आप लो या न लो, चॉइस है आपकी। मगर लोगों को सत्य मालूम न होने की वजह से कि दुख फीडबैक है शरीर के द्वारा दी गई। शरीर में पीड़ा होती है ना तो शरीर फीडबैक देता है, बताता है मेरे साथ क्या हो रहा है। मगर लोग उसको अपने साथ मान लेते, ये मेरे साथ हो रहा है, तो दुख बढ़ते जाता है। दुख का दुख शुरू होता है वो असली दुख है। दुख का दुख बंद होगा तो असली जो दुख बंद हो जाएगा, मन की वजह से आने वाला वो दुख समाप्त हो जाएगा। तो दुख बल बनता है, दुख की वजह से बल मिलता है। लोग प्रार्थना करते हैं, लोग खोज करते हैं। तो दुख को दुख न कहते हुए अगर कहा बल है तो दुख से ऊपर उठना हम शुरू होंगे। मृत्यु दुख और वृत्ति, वृत्ति यानी मन का पैटर्न, मनोशरीर यंत्र का एक पैटर्न बन जाता है। उसी पैटर्न के हिसाब से इंसान पूरा जीवन काट लेता है। जैसे किसी का पैटर्न है शकुनी, शकुनी पैटर्न, तो वो क्या करते रहता है, हमेशा शक करते रहता है, सभी लोगों पर शक करते रहता है। मेरे दुख का कारण इसकी वजह से, उसकी वजह से, सब पर शक होता है उसको। तो ये शकुनी पैटर्न। और शकुनी सिर्फ दूसरों पर शक करेगा क्या, कुछ उल्टे शकुनी भी होते हैं जो दूसरों पर शक नहीं करते, खुद पर शक करते रहते, खुद की निंदा करते रहते, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं वो नहीं करूँगा, मुझे डाउट है मेरे ऊपर, ये मुझसे नहीं होगा। उनका शक अपने ऊपर होता है वही पर्सन, पैटर्न वही है खाली उल्टा है। तो पैटर्न्स यानी वृत्तियों से, जिसके लिए लोग कहते रहते हैं स्वभाव वाला औषधि नाही, ये तो पैटर्न्स जाने वाले नहीं है, मगर उसके लिए औषधि भी है, उसके लिए प्रार्थना भी है, उसके लिए ध्यान का तरीका भी है, उसके लिए हमारे शब्दों में ताकत भी है, उसके लिए हमें ध्यान दीक्षा भी दी जा सकती है अगर कोई इन सब से मुक्त होना चाहे तो। जब अब इंसान अपने स्वभाव के शिकंजे में, यानी मनो शरीर यंत्र के स्वभाव के शिकंजे में फंस जाता है। एक्चुअल आपका स्वभाव जो है वो सेल्फ का, ईश्वरीय जो स्वभाव है वो आपका स्वभाव, मगर वो न जानने की वजह से लोग शरीर के स्वभाव को अपना स्वभाव मान लेते हैं। स्वभाव को ही शब्द दिया गया धर्म, मगर लोग धर्म का अर्थ आज हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पारसी ऐसा करके रह जाते हैं। मगर एक्चुअल जो आपका स्वभाव है वो आपका धर्म है, एक्चुअल मनो शरीर यंत्र का नहीं। वो तो शरीर का स्वभाव है जो आप इस्तेमाल कर रहे हो, जो आपका मित्र है वो उसका स्वभाव है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।